वेलकम टू स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है टुडे वी आर सीइंग एवरीथिंग डाउन हम लोग देख सकते हैं दैट निफ्टी आज का लो देन वी इट्स एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे कैसे 18000 के नीचे जा सकता है वाज एंड वी कैन सी कि 18000 वाज एक्चुअली ब्रोकन क्लोजिंग बेसिस ऑन 19th जैन एंड टुडे

इट्स लाइकली कि उन लोग को ज्यादा अफेक्ट करें एंड दिस इज समिंग ऑब्जर्व ड्यूरिंग कोश वेल द प्रीवियस उसके बाद अभी जो रिसेंट वाला हुआ उसमें एज वेल नेक्स्ट आप सेक्टोरल अगर देखते हैं वी कैन सी देर इज नॉट सिंगल सेक्टर विच इज पॉजिटिव ऑल द सेक्टर्स हैव फॉलन बाई मोर देन वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर फाइव पॉइंट नाइन परसेंट डाउन इज रियल्टी मीडिया भी नीचे गया अगेन दीज आर टू सेक्टर्स डन फेयरली वेल ओवर दास्ट फ्यूशन पास वीक्स This might just mean ki jo sentiments hai leading up to the budget. Those might not be very strong for these uh, sectors. But again, the session hai, too early to say about sentiments, I feel. So let's see, let's observe how it goes. Gainers and losers ki baat kare for nifty, we can see there are just two gainers for nifty. And ONGC, the you know, the second gainer, is actually just flat. It's less than 1% up to the way. We can see in the losers there is a big list. Bajaj, finance is down, FinServe is down.

and uh, even in general what we can see here is around 20th jan aspa se girna shuru hua hai. so sure there might be several reasons for this but this always happens leading up to the budget now what is very interesting and what is very important to see is the budget ke baad kaisa price move hota hai because i personally don't think that uh, the finance ministry would uh, purposely try and you know give a terrible budget that is uh, reflective a little bearish on the market so let's see how it again can't even speculate to be very frank because these things are uh, just like that so that's what we're seeing in nifty if we talk kare hourly chart ki, just to gauge what the sentiment is looking like this is what it is again we can see that channel right here downward channel or maybe it'll retest that channel let's see देर वॉज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट हेयर हम लोग देख सकते हैं वन सिक्सटी के पास इनफैक्ट हम लोग देख सकते हैं ऐसे काफ़ी लेवल्स पर थे बट दोल बिन ब्रीच्ड वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई डेंट ऑब्जर्व इस फिब रेटरेसमेंट जो हम लोग ने बनाया था पहले दिस वन राइट यहाँ से यहाँ तक नाउ इट्स एक्चुअली राइट अराउंड दर्टी एट पॉइंट टू लेवल सो अगर उसके नीचे आता है देन वी माइट सी समी सिक्स सो लेट्स एंड इफ यू टॉक अबाउट द बेरिश रेटरेसमेंट Right, that was a bullish retracement. If we talk about a bearish retracement, we can see there's a support possibly around the same level right here at 69.32. So, overall, so it might just be heading into a zone. Now, whether that zone actually gives it a bounce or it, gives it a relief data and then Nifty continues going down is something which we'll have to see. अगर हम लोग बात करें आज के इंट्रा डे मूवमेंट्स की इट्स यू नो जस्ट स्ट्रेट डाउन जस्ट सम जिस समीफ अरा ढाई बजे के बाद मिला था विच इज स्टैंडर्ड ऑन दीज डेज एंड नो रिलीफ गिवन वीकेज रेलिटिवलीफ गुलंट्रा डे सब नीचे की ओर ही था प्रेशर नीचे की ओर था नाउ बैंक निफ्टी डिड मेक थिंग्स अ लिटिल बेटर बिकॉज सेकंड हाफ की जो रिकवरी देखी दैट वॉज अ लिटिल बेटर इन बैंक निफ्टी इनफैक्ट अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं देन वी कैन सी दैट बैंक निफ्टी रिकवर्ड ऑलमोस्ट हाफ

रिजल्ट के बाद बाद गया है वो नीचे चार परसेंट कंसिडरेबल अमाउंट एंड वी कैन सी दिस रेजिस्टेंस जोन फ्राइडे को जो जोन की बात की यहाँ से ऊपर से हम लोग थोड़ा सेलिंग देख रहे हैं वही जोन से वो नीचे और आ गया है एंड वी कैन सी इट्स राइट बैक ह्योर सो नाउ पर अप फ्रॉम ह्यूर पहली बात तो वो इट माइट जस्ट फॉर्म लाइक अ हेड एंड शोल्डर्स ऑफ सॉल्ट सेकंडली दिस इज द नोन सपोर्ट सो लेट्स इफ इट्स एबल टू होल्ड दिस

वीकेंसी की जो रिलायंस और एच डी एफ सी बैंक है दे आर बोथ फॉर्मिंग वेरी सिमिलर पैटर्न केम डाउन वेंट थोड़ा नीचे गए लोअर लो बनाया ऊपर गए सिमिलर हाइज बनाए एंड देन दे आर कमिंग डाउन सो दे आर मेकिंग सम वेरी सिमिलर पैटर्न आई वुड से एंड ऑब्वियसली द सेम वुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन निफ्टी इज वेल बिकॉज दे आर टॉप टू स्टॉक्स ऑफ निफ्टी नेक्स्ट आप इन्फोसिस इन्फोसिस में हम लोग देख सकते हैं सेवनटीन फोर्टी फोर के आसपास है this is a this is a fib extension level so right around there is where we're actually seeing some action happening and we can see rsi is now below uh, 40 aaj giravat hui hai around 2.74% ki in infosys and if we look at uh, how the sentiment was intraday we can see starting with thoda gira and then during the day around 11 10:30 11 to pretty much uh, around lunchtime, it was just flat and then after that thoda sa niche gaya volatility came in Around so that's what we're seeing with Infosys. अगर हम लोग बात करते हैं एच डी एफ सी की वी कैन सी द सेम लेवल इज बींग करंटली टू फाइव थ्री नाइन पे है अगेन वी स्पोक अबाउट हाउ ट्वेंटी रिजेक्ट किया था वंस अगेन वी केन सी रिजेक्शन एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सेम लेवल दैट वी हैव मार्क अर्ली ओर ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का एंड वी केन सी इट सॉर्ट ऑफ कंसोडेटिंग इन दिस जोन सो अगर यही लेवल से बाउंस कर सकता है then it might be a good sign. We might just see like a double bottom of sorts. So let's see how it Next up, we have, got, we have got ICICI Bank. Now, ICICI Bank, I believe results were actually good. Let's see if this is showing us anything. Yes, we can see the surprise was positive 3.5% and 2%, which is a good sign. Or possibly yahi karen say it's down less than 1%. Because what we can see is that it fell down a considerable amount. यहाँ पे गैप डाउन के बाद थोड़ा सा नीचे गया ऊपर गया ऊपर गया नीचे गया इट वेंट अप एंड देन इट फेल डाउन अगेन एंड देन इट फाइनली वेंट अप अगेन सो दैट पॉसिबली ब्रॉड मार्केट का असर थोड़ा था एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज द रिजल्ट माइट बीन गुड और देंटिमेंट आर ओवरऑल लुकिंग बेटर बैंक मे बी दैट इज वाई टुक समी मूविंग एवरेज लेवल सो दट ऑल्सो लुकिंग गुड नेक्स्ट आप हम लोग देख सकते हैं कोटक बैंक Kotak Bank has broken the 200 moving average on the daily chart. But we've spoken about Kotak Bank. Ki, its moves really cannot be judged based on these levels. Because it and It will give very deceiving moves. And after that, it will just go on a crazy, crazy uptrend that many people will miss because they, they get too nervous or something around these prices. So let's see.

And I don't think it's very indicative. Let's see how it goes. 20 MA ka support hai just like ICICI Bank with 50 MA right below it. We can see EOD basis, pe it has let go of the 500 psychological level. Next up, Axis Bank. Axis Bank pe hum log dekh sakte that it's actually relatively better compared to the other banks. Hum log dekh sakte. We are seeing a large lower wick, which indicates that good buying was happening at lower levels, and we can see it's around the 50 MA level as well. सो हम लोग देख सकते हैं कि सेवन हंड्रेड को रिटेस्ट करके इट वॉज फाइनली एक्चुअली एबल टू क्लोज इज अ गुड साइन एंड दिस इज वॉट लुक लाइक इंट्रा डे कंसिडरेबल सेलिंग हैफ में डीसेंट रिकवरी विच वॉज द केस विद मोस्ट बैंक सो देखते हैं लेट सी हाउ इट गोज अगेन प्राइस माइट जस्ट रिमेन वॉलोटाइल कंसिडरिंग दैट इट बजट डे and given all of this it's a little hard to predict so as much as uh, we would like to say ki are yehi hoga are hoga budget ke aage, hoga. and budget ke din pe hoga, i think that's uh, something that not 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 really can be done so let's see how it goes curious to hear your thoughts as well that's it for this one see you in the next happy trading